बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, हमने जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था स्टैटिस्टिक, उससे रिलेटेड हमने स्टैटिस्टिक्स से डेफिनेशंस पढ़ी थी, स्टेटमेंट्स पढ़ी थी अबाउट स्टैटिस्टिक्स क्या क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अब जो हम पढ़ने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड, वो मैं आपको इस लेक्चर में पढ़ाऊँगी और आपको समझाऊँगी कि हमसे क्या पूछा जा रहा है और आपने इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। कल जो हमने लेक्चर डिस्कस किया उसमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स थी, डेफिनेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड थी और कहा गया था कि सबसे बेस्ट कौन सी डेफिनेशन कंसीडर की गई है, तो फिशर की जो डेफिनेशन स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो रिप्रेजेंट की गई थी वो सबसे बेस्ट जो है कंसीडर की जाती है। तो ये मेन चीज़ आपने याद रखनी है और फिशर की आपको स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स थी वो आपको याद होनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑनवर्ड 5 क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स आपके पास है कि गिव अ फ्यू वर्ड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव। तो स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव क्या है कि इज़ द इनवैल्यूएबल कंपेंडियम, इट्स मीन एग्रीगेट्स है, इसका मतलब आपके पास क्या होता है, मजमुआ एग्रीगेट्स विच गैदर ऑल द फैक्ट्स फिगर ऑब्जेक्टिव सर्वेज एंड सर्वे एंड फैसिनेटिंग जो रिमेम्बरेंस लगते हैं टू द असेंबलेबल रिकॉर्ड, कि जिसका रिकॉर्ड जो आपके पास वैल्यूज फैक्ट्स फिगर एक जैसे होते हैं उनको इकट्ठा करना और ऑब्जेक्टिव सर्वे में रिप्रेजेंट करना, ये हमारे पास क्या होती है स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव होती है। और मेंशन क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा कि मेंशन मेन डिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक, तो मेन डिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स आपके पास स्टूडेंट्स गिवन है मैथमेटिकली, एंड मेन डिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक जो आपके पास आ जाती है वो मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकली स्टैटिस्टिक है, जो कवर करती है स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस को, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को, सैम्पलिंग डिज़ाइंस को। इसी तरह स्टैटिस्टिकल मेथड और फंक्शन है जिसमें हम कवर्स करते हैं कलेक्शन, टैबुलेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशंस ऑफ डेटा, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आ जाती है और अप्लाइड स्टैटिस्टिक आ जाती है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक आप कहते हो बेसिकली जिसमें चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाता है, जैसे कि डायग्रामेटिकली आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, क्लासिफिकेशन कर रहे होते हो। इसी तरह इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक होती है जिसमें स्टूडेंट आप इन्फ्रेंसेस बनाते हो, हाइपोथेसिस बनाते हो सैम्पल डेटा ड्रॉ करने के बाद उसके रिजल्ट बेस पे। तो हम कहते हैं टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल ड्रॉन फ्रॉम इन। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स क्या होती है जो कि कवर करती है पॉपुलेशंस को, सेंसेस को, नेशनल जिसको अप्लाई किया जा सकता है, प्रोडक्शन, बिजनेस स्टैटिस्टिक, इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक, क्वालिटी कंट्रोल एंड बायो स्टैटिस्टिक एक्स्ट्रा। ये वो डिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक है जिसमें मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक आ जाता है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स आ जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, इन्फ्रेंशियल एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक। अब वो कहते हैं कि व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। हमने स्टैटिस्टिक वर्ड तो पढ़ा कि स्टैटिस्टिक का क्या मतलब है, आप डेटा को एनालाइज करते हो, ड्रॉ कर रहे होते हो, एनालाइज कर रहे होते हो, रिप्रेजेंट एंड कंक्लूजन आप दे रहे होते हो, लेकिन इसके लिमिटेशंस क्या हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो लिमिटेशंस हमारे पास क्या है कि ये क्वांटिटेटिव डेटा को ओनली डील करती है। तो हमारे पास जब डेटा हम बात करते हैं तो वो डिवाइड हो जाते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव स्टूडेंट डेटा वो होता है जिसको हम अकाउंट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल डेटा, और क्वालिटेटिव डेटा होता है जो एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिसमें हम डेटा को क्या की क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास सेकेंड जो आ जाते हैं कि स्टैटिस्टिक इज़ ट्रू ऑन एन एवरेज ओनली, कि स्टैटिस्टिक सिर्फ और सिर्फ एवरेज के लिए ट्रू है, जैसे कि हमने मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा। इसी तरह स्टैटिस्टिक डील्स विद द मैसेज नॉट एन इंडिविजुअल्स, नो स्टैटिस्टिक इज अप्लाई फॉर द सिंगल ऑब्जर्वेशन। अगर कोई हम स्टैटिस्टिक को हमेशा एग्रीगेट्स पे अप्लाई करते हैं, अगर सिंगल वैल्यू पे ही अप्लाई करना है तो इट्स नॉट अ स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम, देन स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर करेक्ट इन अ जनरल सेंस, दे आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू द सर्टेन अमाउंट ऑफ एरर। हमारे पास एरर्स, जब भी आप स्टैटिस्टिकल डेटे की बात करते हो तो एरर आने के चांसेस आपके होते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं कि जब भी ये एक ड्रॉबैक है, लिमिटेशंस हैं कि स्टैटिस्टिकल डेटा जब भी आप रिप्रेजेंट करते हो तो आपके पास एरर आने के चांसेस होते हैं। स्टैटिस्टिक इज ओनली मीन्स टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट मैसेज और पॉपुलेशन बट नॉट अ पेंसी और टू ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। ये हमारे पास तमाम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं कि आपके पास चंद वैल्यूज़ होती हैं जिनका कंक्लूजन आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो। तो ये लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आते हैं। अब वो कहते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपके पास दो हैं, एक सेंसिस मेथड होता है, एक सैंपल मेथड होता है। बेस्ट मेथड जो कंसीडर किया जाता है वो सैंपल मेथड किया जाता है। सेंसिस और सैंपल में फ़र्क क्या होता है स्टूडेंट? जो सेंसिस मेथड है वो आपके पास ओवरऑल आपकी जो पॉपुलेशन है उसको कवर कर रहा होता है, जिसमें आप ईच एंड एवरी यूनिट को डिस्कस करते हो। सैंपल मेथड में आप अपनी पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल कलेक्ट करते हो और उस सैंपल्स को आप डिस्कस कर रहे होते हो, दैट इज़ कॉल्ड द सैंपल मेथड। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ जाते हैं कि व्हाट डज सेंसिस मेथड अप्लाई, कि सेंसिस मेथड कैसे अप्लाई होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि ईच एंड एवरी यूनिट इंक्लूड होता है और आप उस पर वर्क करते हो। बट हम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनके पास इतने सोर्स ऑफ रिसोर्स नहीं होते कि वो ईच एंड एवरी यूनिट को डिस्कस कर सकें, तो उनके लिए ये मेथड जो मुश्किल हो जाता है। जो सैंपल मेथड है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए क्यों ईजी हो जाते हैं, कि आपको जो डेटा रिक्वायर्ड है आप उसी पे ही वर्क करते हो और थोड़ा वर्क करके आप जो वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर के करीब तरीन ले आते हो। अगर हम सेंसिस मेथड को देखें तो हमारे पास कहता है कि सेंसिस मेथड मींस इंक्लूड ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन अंडर रेफरेंस फॉर इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, टू नो द नेशनल इनकम वी हैव टू इंक्लूड एवरी इंडिविजुअल यूनिट विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड द नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम अगर आप काउंट करना चाहते हो तो आपने हर उस इंसान की नेशनल इनकम काउंट करनी है जो कि कंट्रीब्यूट्स कर रहा है आपकी कंट्री के लिए। इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि सैंपल मेथड आपके पास क्या, तो सैंपल मेथड भी आपके पास इजी है। सैंपल मेथड में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो सैंपल मेथड है वो इन्वेस्टिगेटर हैज़ टू सेलेक्ट सम यूनिट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन अबाउट विच कंक्लूजन हैव टू बी ड्रॉ एंड टेक ऑब्जर्वेशन ऑन द सेलेक्टेड यूनिट। द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपल यूनिट्स आर एप्लीकेबल टू द पॉपुलेशन एज होल। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि अगर एवरेज एज ऑफ मैरिजेज हमने सेलेक्ट करनी है तो हम कुछ एरियाज सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर हम कुछ कपल्स को एज ए सैंपल सेलेक्ट करेंगे, उनके एवरेज एज पूछेंगे और वो उस दर से जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो आपके होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो दैट इज़ द सिंपल मेथड है कि जब आपके पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, रिसोर्सेज कम होते हैं, तो आप फिर सैंपल मेथड यूज़ करते हो जिसमें आप सम एरियाज़ जो है एज अ यूनिट सैंपल सेलेक्ट करते हो, उसमें से आप सैंपल लेते हो, वर्क करते हो और जो आपका रिजल्ट आता है वो आपकी होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, दैट इज़ द बेस्ट मेथड है। देन क्वेश्चन नंबर 12 आ जाते हैं कि व्हाट आर द फोर मेन फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक के जो फंक्शंस हैं वो हैं कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब यही करते हो, डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हो, प्रेजेंट कर रहे होते हो, एनालाइज कर रहे होते हो और उसका रिजल्ट दे रहे होते हो। देन गिव डिफरेंट मैथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। आपके पास डिफरेंट मैथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा जब आ जाते हैं उसमें डायरेक्ट पर्सनल इंक्वायरी मैथड आ जाता है, क्या आप किसी इंसान से डायरेक्टली जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इस तरह इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन आ जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास जो इंसान से आपने डेटा लेना है वो अवेलेबल नहीं है तो आप उससे रिलेटेड जो पर्सन होंगे उनसे जाके डेटा लेंगे। अगर आपने इनकम मालूम करनी है तो अगर वो बंदा अवेलेबल नहीं है, आप उनकी वाइफ से या कोई भी घर वाले उनसे जाके आप लेते हो, इनडायरेक्ट मेथड हो जाता है। बाय फिलिंग ऑफ शेड्यूल्स आ जाता है, कि आपने शेड्यूल्स के मुताबिक जो बाय फिलिंग ऑफ। फिर मेल क्वेश्चनेयर्स आ जाते हैं। मेल क्वेश्चनेयर्स क्या होते हैं कि आपको एक फॉर्म गिवन होता है और उस फॉर्म में आपको 5 या 6 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, आपने वो फिल करके सेंड करने होते हैं। तो ये मेल क्वेश्चनेयर मेथड होता है, कि ये भी हमारे पास चीप मेथड होता है, ईजी होता है, आप इजीली कलेक्ट कर सकते हो डेटा, लेकिन एरर्स लाजमी आते हैं। इसी तरह हमारे पास आ जाता है कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल एजेंट्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंट्स। आप लोकल, जिस तरह गाँव में होता है कि ये आपके पास लोकल एजेंट्स होते हैं जो कॉरेस्पॉन्डिंग, आप उनसे डायरेक्टली जाके उन, एक बंदा ऐसे होता है जिसको तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो होती है वो अवेलेबल होती है, तो आप उनसे जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इस तरह बाय ओल्ड रिकॉर्ड से आप ले सकते हो, बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड से भी आप जो है ले सकते हो, कलेक्शन ऑफ डेटा कलेक्ट कर सकते हो। नेम टू काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, ब्रीफली एक्सप्लेन। टू काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा हमारे पास, एक प्राइमरी डेटा होता है, एक सेकेंडरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा वो होता है जो कि आप डायरेक्टली कलेक्ट करते हो और आपके पास किसी भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट से नहीं गुजरा होता, और सेकेंडरी डेटा वो होता है जो कम से कम एक बार किसी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट के अंडर आया हो, गुजरा हो, उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपने याद रखना कि हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट क्या थे, जो हमने 14 तक, क्वेश्चन नंबर 14 तक जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़े, आई होप आपको समझ भी आए होंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है स्टूडेंट, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।